हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल ब्लॉग पर। और आज हम जा रहे हैं द नीलम ग्रैंड होटल, वहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और वहाँ का आपको पूरा माहौल बताएंगे कैसा है, क्या है वहाँ का ब्रेकफास्ट, कैसा है, कैसा नीलम द ग्रैंड है और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए बढ़ते हैं आगे नीलम द ग्रैंड के लिए। सो हम वहाँ पर गए और हमने रिसेप्शन से एक लोगों को वहाँ से लिया जो हमें अपना रेस्टोरेंट दिखाने वाले थे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम जिस भी रिजॉर्ट या होटल में रहें वहाँ पर ब्रेकफास्ट का जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है। सो दैट कि होता क्या है कि जब हम घूमते फिरते हैं तो हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये इनका रिसेप्शन है और आगे दूर तक आप देख रहे हैं यहाँ पर रूम इनके हैं। ये पूरा अंदर इनका बहुत अच्छा सा होटल है इनका बना हुआ। तो एनीवे फिलहाल अभी हम एंट्री करते हैं इनके रेस्टोरेंट की तरफ। तो यहाँ से एंट्री होती है इनके रेस्टोरेंट की और ये रिसेप्शन वाली मैडम, इन्होंने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया, स्वागत किया बहुत टाइम तक। जब तक हम वहाँ पर बैठे हम ब्रेकफास्ट करते रहे तब तक इन्होंने बहुत हमारी टेक केयर की और बीच बीच में आते हमें फीडबैक भी हमसे लेती रहीं कि चीज़ें कैसी हैं, कितनी अच्छी हैं, नमक कितना, मिर्च कितना, स्पाइसी तो नहीं है, आपको कुछ और चाहिए लाइक। तो हमें एक तरीके से लगा कि इन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया अपने रेस्टोरेंट के अंदर। और फिर अब मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि इनके यहाँ हम जब हम पहुँचे इनके रेस्टोरेंट में तो इनके यहाँ क्या क्या चीज़ें थी। तो वेल अरेंज थी सबसे पहले, तो प्रॉपर प्लेट्स और स्पून्स जो भी चीज़ थी लगी हुई थी। और फिर हमने अब शुरुआत की देखी, जैसे कि आप देख रहे हैं छोले से शुरुआत है, तो जिन लोगों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है वो छोले और भटूरे वो चीज़ें खा सकते हैं। और आगे आप देख रहे हैं कि वन बाई वन मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो देखते ही देखते मुंह में पानी आने लगा है। ये इडली है, उसके सॉसेस रखे हुए हैं नारियल का बना हुआ, ये पोहा रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने रखी हुई थी, बाकी आगे मैं आपको और दिखाता रहता हूँ। ये भी कुछ बीन्स थी हैं और बीन्स के साथ साथ ये ब्रेड टोस्ट बटर के साथ आप अपना खुद ही इसको मैं कहूँगा फ्राई कर सकते हैं टोस्ट को। और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर बॉइल्ड एग थे, तो जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं वो यहाँ से एग ले सकते हैं। तो इसके बाद आप आएंगे तो देखिए ड्रिंक्स भी इनके रखी हुई हैं, ऑरेंज ड्रिंक्स हैं और दूसरा डिटॉक्स वाटर है। तो जो लोग डिटॉक्स वाटर लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी है कि वो अगर ऑरेंज जूस नहीं लेना चाहते तो डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। इसके बाद ये कुछ स्वीट्स हैं, ये स्वीट्स जो हैं ये चार्जेबल हैं और इनके लिए आपको चार्ज जरूर करना पड़ेगा। इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक आप आराम से बियर कर सकते हैं। इसके बाद टी एंड कॉफ़ी आप ले सकते हैं यहाँ से और आप ब्रेकफास्ट का पूरी तरीके से बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। तो ओवरऑल में आप देखिए, ये मैंने आपको पूरा किचन दिखाया, ये पूरा इनका सेटअप है। और सेटअप की मैं अगर जगह की बात करूँ तो सेटअप इनका बहुत अच्छा है। और अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ चेयर्स टेबल्स की, तो वो अरेंजमेंट भी इनका देखिए कितना अच्छा है। मैं पूरा आपको राउंड एक व्यू दिखाऊँगा। ऑलरेडी लोग मॉर्निंग में आए हुए हैं, हम ऑलमोस्ट यहाँ पर आए थे 9:30 के आसपास। तो यहाँ पर कुछ वो लोग हैं जो ऑलरेडी होटल के अंदर रह रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होटल से बाहर के हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी रिजॉर्ट में नहीं रह रहे हैं और आप उस रिजॉर्ट के अंदर जाकर उसके रेस्टोरेंट के खाने का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर वहाँ जा सकते हैं। वो जो ब्रेकफास्ट होगा वो चार्जेबल होगा और आप वहाँ पर किसी भी गोवा के किसी भी आप रिजॉर्ट या होटल में जाके वहाँ के ब्रेकफास्ट का आनंद ले सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पर ले रहे हैं। अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ और अभी हम हैं होटल द नीलम द ग्रैंड में। अभी आप देखो यहाँ का ब्रेकफास्ट, मैं अपने लाया हूँ एग और मोस्टली जो आइटम है सब पूरे मतलब वेज हैं, अंडे को छोड़कर। और इन्होंने लिया है सांबर और फ्लेवर्ड योगर्ट। तो अभी हम यही खाएंगे और शुरू करते हैं। हम फिलहाल भूख बहुत लगी है, सुबह नाश्ता करते हैं।
प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, जैसे कि आपने वीडियो देखे बहुत नीट है, क्लीन है, तो यहाँ पर आपको हर तरीके की यहाँ पर आने के बाद आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कोई गलत चॉइस कर ली है होटल की। दिस इज अ होटल कम रिजॉर्ट, इट्स वेरी नाइस। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी जा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, और अगर मैं स्पेशली रूम की बात करूँ तो रूम अंदर से बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, ओपन बार है जैसे मैंने आपको दिखाया, शाम को यहाँ पर आप बैठ के ड्रिंक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ओपन स्पेस जो है वो बहुत मतलब एक होता है कि आप तो आप बालकनी से बैठे हुए हैं बाहर, तो आपको ओपन स्पेस दिखेगा। अभी जैसा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप मुझे मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ओपन स्पेस है, बहुत बड़े स्पेस है। अब देखिए सामने स्विमिंग पूल है, मतलब एक वो फीलिंग जो होती है ना कि ओपन में बैठ के और भी इंजॉय करना। आपने सपोज किए कि मॉर्निंग में आपने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको बैठना है, आप सोच रहे कमरे के अंदर जाके बैठेंगे, तो उससे अच्छा है बाहर बैठे हो, फ्रेश एयर आप ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये आपको यहाँ के माहौल में ऐसा ढाल देंगी कि आपको कितना अच्छा लगेगा यहाँ पर, आपको हमेशा ये फील होगा कि आप जिस होटल में रह रहे हो रिजॉर्ट में, तो आपको बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल तो यही फीडबैक है मेरा इस प्रॉपर्टी के लिए, वेरी नाइस। अब एक और आउट ऑफ इसलिए नेक्स्ट टाइम किया।